हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस पार्ट 5 इन डिफरेंशियल कैलकुलस। स्टूडेंट्स, आई हैव मेड दीज लेक्चर्स इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर इंग्लिश वर्जन प्लीज़ गो टू प्लेलिस्ट। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 4 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि टेलर्स थ्योरम से हमने सॉल्व किया था। उसी में कंटिन्यू करते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल 5 इसमें है, प्रूव दैट एफ एम एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स एफ डैश एक्स प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू एम माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। अगर हम अपने एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा जो एफ एम एक्स है वो किस में आ रहा है, यहाँ से देख के हम अंदाज लगा सकते हैं, एम माइनस वन एक्स स्क्वायर की पावर्स में इसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं इसमें। तो हम अपने फंक्शन को एफ एम एक्स को इस फॉर्म में लिख लेंगे, एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स। टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इस फंक्शन को अपने एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स को इन पावर्स ऑफ एम माइनस वन एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, इसको हम अपने टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स एफ डैश एक्स प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू एम माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। वी कैन राइट दिस एज एफ एम एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू एम माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। नाउ कम टू एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स इज इक्वल एफ एक्स माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। हम अपनी सीरीज़ को अगर ऑब्जर्व करें, तो ये हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स की पावर्स में है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स की पावर्स में हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो हम अपने फंक्शन को एफ एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स को किस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स आएगा, एफ एक्स प्लस माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही फंक्शन आ जाएगा। नाउ एक्सपेंडिंग एफ एक्स प्लस वन माइनस टाइम्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स बाय टेलर्स थ्योरम इन पावर्स ऑफ माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा फंक्शन, इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ से एफ एक्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू माइनस वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एफ डबल डैश एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो हमारा प्रूफ करना है वो हमारा आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें, एफ एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट एफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस टाइम्स एक्स। नाउ एक्सपेंडिंग दिस फंक्शन एफ ज़ीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस एक्स बाई टेलर थ्योरम इन पावर्स ऑफ माइनस एक्स, ये पावर में इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ज़ीरो इज इक्वल एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। इसको हम क्या करेंगे, एफ एक्स को इधर ले आएंगे, एफ ज़ीरो को इधर ले आएंगे, तो जो हमें प्रूफ करना है ये हमारा
इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ कम टू एग्जांपल 7, एक्सपेंड, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, 2x³ प्लस 7x² प्लस एक्स माइनस 1 इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2, जिसकी पावर्स में दे रखा है उसमें हम अपने फंक्शन को राइट करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है ये 2x³ प्लस 7x² प्लस एक्स माइनस 1 को हम कि उसमें हमारा क्या आना चाहिए, एक्स माइनस 2 आना चाहिए। तो वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू, हमने लिख लिया एफ 2 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। एफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स माइनस 2। नाउ एक्सपेंडिंग फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ये गिवन है हमारे पास। तो ये हमने लिख लिया अपने फंक्शन को एफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 बाय टेलर्स थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देंगे इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2 में। तो हमारे पास क्या जाएगा, एफ 2, यहाँ पर एफ 2 आ गया, प्लस एक्स माइनस 2 एफ डैश 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एफ डबल डैश 2 एंड सो ऑन। एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, दिस गिव, ये फंक्शन जो हमारे पास गिवन है 2x³ प्लस 7x² प्लस एक्स माइनस 1। तो जो हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए एफ 2 की, और एफ एक्स यहाँ पर ये है, तो एफ 2 की वैल्यू एक्स की जगह 2 रख देंगे तो ये हमारे पास 45 आ गई। सिमिलरली एफ डैश एक्स चाहिए, इसके बाद हमें एफ डैश 2 चाहिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, ये आ गया हमारा 6x² प्लस 14x प्लस 1, तो एफ डैश 2 इज़ 53। सिमिलरली एफ डबल डैश दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यह आ जाता है हमारे पास 12x प्लस 14, सो दैट एफ डबल डैश इज़ 38। एंड यहाँ से फिर आगे देखिए एफ ट्रिपल डैश, थर्ड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12, एंड फिक्स वैल्यू आ गई विदाउट एक्स, एंड एफ फोर्थ डेरीवेटिव क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद जितने भी डेरीवेटिव्स होंगे वो सब हमारे 0 आ जाएंगे। एफ फोर्थ मतलब एफ फोर्थ अगर आप 2 पर निकालते हैं क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो ये सब हमारे 0 हो जाएंगे, यानी कि nth डेरिवेटिव तक हमारे 0 हो जाएंगे। यह हम ये कह सकते हैं कि व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हमारी ये सारी वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन एक्सपेंशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 निकाली थी उसमें वैल्यूज रख देंगे, तो एफ एक्स हमारा क्या गया 45 प्लस एक्स माइनस 2 53 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू 38 प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 12 प्लस 0। उसके बाद ये सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 को और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 इज अगेन इम्पॉर्टेंट, एक्सपेंड ई टू द पावर एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1। एफ एक्स हमारे पास गिवन है ई टू द पावर एक्स, देन वी हैव ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स को हम क्या कर लेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एक्स माइनस 1 में हमें एक्सपेंड करना, तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1। वी आर टू एक्सपेंड एफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय टेलर्स थ्योरम। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 एफ 1 डैश प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ डबल डैश 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस 1 क्यूब एफ ट्रिपल डैश 1 एंड सो ऑन। नाउ एक्सपेंडिंग ये हमने टेलर्स थ्योरम से कर दिया था, एक्सपेंड करके ये वाले हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ वन कितना हो जाएगा ई की पावर 1 इज ई, एफ डब वन सॉरी एफ डैश एक्स इज ई टू द पावर एक्स, एफ वन डैश इज ई, एफ सेकेंड डेरीवेटिव एक्स इज सेम ई टू द पावर एक्स, तो एफ डबल डैश 1 भी आपका ई आ गया एंड सो ऑन। सब इस इन वैल्यूज़ को अपने एक्सपेंशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई प्लस एक्स माइनस 1 ई प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन
तो ई टू द पावर एक्स को आप कैसे लिखेंगे, ई कॉमन ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा ई इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स माइनस वन क्यूब एंड सो ऑन। तो ये एक्स माइनस वन की पावर्स में एक्सपेंशन हो गए। तो इसी तरह से हम अपने सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, आप अपने बुक से और क्वेश्चंस को करिए इनकी हेल्प से, और इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा से करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। पीडीएफ का जो लिंक है, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। और इस स्टूडेंट इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए, ताकि तभी सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।